नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 11 SE versus Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 11 SE में 6.32 इंच जबकि 10 Prime 2022 में 6.38 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 11 SE में 2.93 इंच जबकि 10 Prime 2022 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 11 SE में 0.33 इंच जबकि 10 Prime 2022 में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi Note 11 SE से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 11 SE में 178.8 ग्राम्स जबकि 10 Prime 2022 में 192 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Redmi Note 11 SE से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi Note 11 SE में Super AMOLED जबकि 10 Prime 2022 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 11 SE में 6.43 इंचेस जबकि 10 Prime 2022 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 11 SE में 83.48% जबकि 10 Prime 2022 में 83.29% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 11 SE में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि 10 Prime 2022 में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 11 SE में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 10 Prime 2022 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 11 SE में Mali G76 MC4 जबकि 10 Prime 2022 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 11 SE में MediaTek Helio G95 और 10 Prime 2022 में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi Note 11 SE में 6GB जबकि 10 Prime 2022 में 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi Note 11 SE में 5000mAh जबकि 10 Prime 2022 में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi Note 11 SE में 4 कलर्स जबकि 10 Prime 2022 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 11 SE 6GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें 10 Prime 2022 की तो वो 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi Note 11 SE में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 10 Prime 2022 की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi Note 11 SE आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 11 SE आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M33 5G है, दूसरा Tecno Spark 8P है, तीसरा Samsung Galaxy F23 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Spark 9 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।